शिट यार, अब तो उठ ही नहीं रहा गाड़ी। सो दिस इज़ दी शक्ति ऑपरेशनल ट्रैक डेडिकेटेड टू पीपल ऑफ लद्दाख, जिंगरल केला सो सरकुंचर वाया केला, एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 18,600 feet, 31st August 2021। सो दिस इज़ दी किला पास आई एम गोना डू राइट नाउ। यहाँ से मैं किला पास के लिए निकलूँगा। दिस इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ 18,600 feet, लेट्स बिगिन। टोटल ऑफ रोड, अपने को आगे ना यार बर्फ ना मिल जाए, क्योंकि बर्फ मिलेगा तो काफी दिक्कत हो जाएगा। बट आई एम प्रिटी श्योर दैट केला पास में तो बर्फ होगा ही होगा, क्योंकि केला पास इज समवेयर देयर। बट लेट मी प्रे I don't get snow. बाइक तो चढ़ता ही नहीं है, मतलब जो टर्न है ना, टर्न पे सॉफ्ट सॉइल है, उसके कारण जो है चक्का घूमते रहता है, आगे ही नहीं बढ़ता यार। बट एनी हाउ आई एम मैनेजिंग इट। लेट्स सी आगे कितने टर्न्स ऐसे आते हैं जिनमें शायद ही ये देखो, ये है ब्लैक आइस, इसमें जो है चक्का रुकता नहीं, ऐसे पिसल जाता है। अभी देखो ये जो आगे टर्न आने वाला है, ये टर्न पे काफी सॉइल जो है सॉफ्ट है, ये भी सॉइल सॉफ्ट है। यहाँ पे होता है मेन दिक्कत, यहाँ पे गाड़ी चढ़ता नहीं है। ओए ओए ओए, आई डोंट नो कब आएगा किला पास, ये क्या हो रहा है और कितना ऊपर हमें चढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये पहाड़ का टॉप तक हम पहुंच ही चुके हैं। अगर मैं पहला बंदा हो गया ना वेस्ट बंगाल से, देन द एंटायर वेस्ट बंगाल शुड बी सो प्राउड ऑफ मी मैन। आई थिंक सो आई नीड टू गो ऑन दैट रोड। ऊपर और चढ़ना पड़ेगा, आई डोंट नो, बट आज करके रहेंगे। चल 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 चल, चल।
शिट यार, अब तो उठ ही नहीं रहा गाड़ी। अपना सारा सामान मैं यहाँ पे रख के बाइक से जाऊँगा, क्योंकि बाइक यहाँ पे चढ़ नहीं रहा, पूरा स्किड कर रहा है, काफ़ी स्टीफ है। यहाँ से चढ़ के वो ऊपर जाके फिर ऊपर कहीं पे केला पास से सारा सामान यहाँ डंप करके जा रहा हूँ। मैंने फाइनली अपना जितना भी लगेज है वो सब नीचे उतार के रख दिया है, ताकि बाइक हल्का हो जाए। और गाइस, अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हो तो मेक श्योर यू डोंट सफर फ्रॉम EMS, आप नहीं कर पाओगे। ये देखो बर्फ, केला पास कितना भी हार्ड हो तू करके रखूँगा। तो मैंने अपना सामान जो है पीछे उतार दिया है सब समेत, यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, एंड इन केस आर्मी वाले अगर आते भी हैं तो दे वोंट डू एनीथिंग। जहाँ तक मुझे पता है कोई आर्मी वाला था नहीं, तो जब मैं वापस लौटूंगा तो मेरा सामान वहीं पे ही होगा। सी दिस, ओह शिट, ये तो गीला है यार, गीला प्लस ओए ओए ब्लैक आइस। चढ़ जा मेरे भाई, क्या कर रहे हैं। बहुत ही ख़राब रोड है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब रोड है। राइडर कम्युनिटी, आई एम द फर्स्ट वन, हाँ देखो यार, मे बी आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम द एंटायर वेस्ट बंगाल टू मेक इट ओवर हेयर विद प्राउडली ओनिंग बजाज पल्सर 200 NS विद अ मोटो स्टॉप रेप स्टॉप डाउन स्पीड बैलेंस। दिस इज द केला पास, यहाँ पे अभी तक वो जो मार्बल में एनग्रेव्ड किया हुआ है वहाँ पे लगा नहीं है, यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक है, एंड दिस इज द केला पास। ये कितना ऑल्टीट्यूड में है, एंड दिस इज द यू नो ब्लैक आइज, ब्लैक आइज। एंड दिस इज द केला पास। लुक एट द व्यू, फर्स्ट बाइकर फ्रॉम सिलीगुड़ी
एंड होपफुली द फर्स्ट बाइकर फ्रॉम द एंटायर वेस्ट बंगाल टू मेक इट टू केला पास. मेरे पास जितना भी लगेज था मैंने सबको उतार के रास्ते के बीच में रख दिया है. अभी जब वापस आऊँगा तो सारे लगेज को डालूंगा. बहुत ठंड है गाइस. चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव लाइक समथिंग डू डेफिनेटली गिव द लाइक बटन, हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल द राइडर कम्युनिटी so that they can also come to this Kela Pass. Share it, comment down your comments in the comment section box and do press the notification bell icon so that we could get more updates, more adventurous ride like this which very rare people does. Signing off from Kela Pass, bye bye guys. I'm getting frozen. Bye bye. गाइस सो इट्स टाइम टू लीव. मैंने अपना सारा सामान जो लगा लिया है. मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस है तो बॉस डोंट डू दिस. यू विल गेट एग्जॉस्टेड. आप पता नहीं आपके साथ क्या होगा. एंड आपके बाइक को अगर कुछ हो जाता है, इनकेस आप गिर जाते हो या कुछ हो जाता है, उठाने वाला कोई नहीं होगा, यह याद रखना. सो प्लीज़ अगर आप ग्रुप में आते हो तो ठीक है, नहीं तो आई विल नेवर एवर रिकमेंड टू कम सोलो. मेरा बात अलग है, मेरा बात छोड़ दो. एवरीवन शुड नो देयर लिमिट्स. सो ये इतना ही बोलूँगा, अकेले मत आना. इधर कोई पिलियन को लेके आओ या किसी को साथ लेके आओ, राइडर्स को, ताकि एक दूसरे को वो हेल्प कर पाए. चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग पे. अ रियल थैंक्स टू मुतुल यार, व्हाट एन इंजन ऑयल, व्हाट अ परफॉर्मेंस. आई एम गेटिंग इनटू सच हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, बाइक एक क्लिक में स्टार्ट हो जाता है. कितना भी ठंड हो बाइक का इंजन ऑफ नहीं होता है. एंड मानना पड़ेगा यार, मुतुल 7100 10W50 मैं यूज़ कर रहा हूँ. 10W इसलिए क्योंकि जब आप ठंडे इलाके में रहते हो तब 10W किया करो, जब आप सिटी में रहते हो तब आप 20W40 या 20W50 कर सकते हो. सो 10 इज़ द मिनिमम टेम्परेचर, 50 जो है या 40 जो है दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर. आई रियली हैट्स ऑफ, लाइक सीरियसली वेरी 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 हैप्पी विद द मोटूल 7100 लुब्रिकेंट परफॉर्मेंस. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. एंड वन मोर थिंग विच आई लाइक टू थैंक टू राइनॉक्स यार, दिस स्टील्थ इवो 3 जैकेट इज सो अमेजिंग. इट हैव गॉट अ चेन सिस्टम. अगर आप चेन को लगा देते हो तो पूरा पूरी एयर टाइट हो जाता है, इसके अंदर हवा नहीं घुसता है. एंड दे ऑल्सो गॉट अ वेरी वार्म लाइनर विच इज कीपिंग मी वार्म इन दिस हार्श टेरेन. I have to say thanks to Rhinox and Motul. Amazing product, man.